नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। ईरानी संसद ने अमेरिका को चुनौती देने वाला प्रस्ताव पारित किया। अमेरिकी बैंकों द्वारा ईरान के लोगों की संपत्ति हड़पने को लेकर मांगा जाएगा मुआवजा। अमेरिकी सीनेट ने पास किया 9/11 के लिए सऊदी पर मुकदमे का बिल। अब पीड़ित सऊदी अरब से मांग सकेंगे मुआवजा। विवादित बिल से सऊदी और अमेरिका के बीच ठनी। बगदाद के शिया बहुल इलाके के बाजारों में बम विस्फोट, 54 लोगों की मौत, 22 लोग जख्मी। आईएसआईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु समझौते को लेकर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मिलने की जताई इच्छा। पूर्वी यूक्रेन में रूस द्वारा की गई कार्रवाई का किया विरोध। आर्थिक रूप से अमेरिका को ज्यादा सशक्त बताकर चीन पर बनाएंगे दबाव। पाक की सरगोधा यूनिवर्सिटी ने कैंपस में छात्र छात्राओं के एक साथ बैठने पर लगाई रोक। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस्लामी परंपराओं का दिया हवाला। सर्कुलर में छात्र छात्राओं का एक साथ घूमना इस्लामिक कल्चर के खिलाफ बताया। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।